फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि रेटिनॉल और रेटिनॉइड्स में क्या फर्क है और हमारी स्किन के लिए रेटिनॉइड अच्छा काम कर सकता है या रेटिनॉल अच्छा काम कर सकता है या रेटिन ए हमारी स्किन पे सूट करेगा। तो आज की इस वीडियो में यही सब जानेंगे डिटेल में। तो करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट। फ्रेंड्स नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। डियर फ्रेंड्स, आप सब ये मानते हो कि जब हम सब का स्किन टाइप अलग अलग है, किसी की स्किन ऑयली है, किसी की स्किन ड्राई है, किसी की कॉम्बिनेशन है, तो किसी की नॉर्मल स्किन है, जब हम सब की स्किन टाइप अलग अलग है तो हम सब की स्किन के लिए एक जैसा प्रोडक्ट जो है वो कभी काम नहीं करेगा, क्योंकि एज के अकॉर्डिंग और हमारी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग जो प्रोडक्ट्स है और उसकी जो रिक्वायरमेंट है हमारी स्किन की वो चेंज होती रहती है। अगर वही प्रोडक्ट कोई कम एज वाला यूज करना चाहे तो उसका कुछ और पर्पज होगा, लेकिन यही कोई 45 प्लस वाला यूज करना चाहे तो उसको डिफरेंट प्रोडक्ट्स की रिक्वायरमेंट होगी। और लेकिन मार्केट में आज इतने ज्यादा प्रोडक्ट्स बढ़ते जा रहे हैं, इतने सारे प्रोडक्ट्स आते जा रहे हैं कि बहुत बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारी स्किन के लिए कौन सा प्रोडक्ट बेहतर होगा और जो हमें क्विक रिजल्ट देगा। वैसे तो स्किन के अकॉर्डिंग एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स बहुत सारे हैं, लेकिन फिर भी अगर मार्केट में बात की जाए और एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स की, तो क्या ज़्यादातर बोला जाता है कि आप विटामिन सी सीरम यूज़ कर लो, आप विटामिन सी वाले प्रोडक्ट यूज़ करो, आप रेटिनॉल यूज़ करो, आप रेटिनॉइड यूज़ करो। तो रेटिनॉल और रेटिनॉइड में सिर्फ यही कन्फ्यूज़न रहता है कि हमारी स्किन के लिए कौन सा है, या रेटिनॉइड है या रेटिनॉल है। तो डियर फ्रेंड्स, ये डिफरेंस हमें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि नाम एक जैसे हैं लेकिन दोनों के काम में क्या अंतर है। तो डियर फ्रेंड्स, तो डिटेल में आपको बताती हूँ रेटिनॉइड क्या है, रेटिनॉल क्या है, रेटिन ए क्या है और किस तरीके से ये यूज होगा और क्या हमें रिजल्ट देगा, क्या हमें ये साइड इफेक्ट देगा, ये सारा आज की वीडियो में जानते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले जानते हैं कि रेटिनॉल क्या है। एक्चुअली फ्रेंड्स, रेटिनॉल जो है ना, रेटिनॉल विटामिन ए का सबसे नेचुरल और एक्टिव फॉर्म है। एक्चुअली रेटिनॉल स्किन सेल्स बनाता है, जिस वजह से ये स्किन केयर प्रोडक्ट्स में काफ़ी यूज होता है और इसका यूज़ एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स में सबसे ज़्यादा किया जाता है। और कई ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिसमें रेटिनॉल काफ़ी मात्रा में होता है, जैसे मैंगो, ऑरेंज, ग्रेप्स, पनीर, एग योक, मिल्क, और ये सब चीज़ों में रेटिनॉल नेचुरल फॉर्म में बहुत 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 ज़्यादा होता है। जब मार्केट से अपने लिए कोई स्किन केयर प्रोडक्ट लेके आते हैं तो जिस पे क्या होता है कि रेटिनॉइड लिखा होता है और हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये रेटिनॉइड रेटिनॉल ही है क्या। एक्चुअल में क्या है कि रेटिनॉइड विटामिन ए से मिलने वाला एक केमिकल कंपाउंड है। विटामिन ए से मिलने की वजह से ये हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करने में बहुत सक्षम होता है। रेटिनॉइड हमारी स्किन में कोलेजन प्रोडक्शन को बढ़ाता है, जिससे हमारी स्किन यंग लगती है और ये आने वाले एजिंग साइन को भी रोकता है। फ्री रेडिकल से होने वाले ऑक्सीडेटिव डैमेज से हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करता है। रेटिनॉइड्स, हमने रेटिनॉल के बारे में जान लिया, रेटिनॉइड्स के बारे में जान लिया, तो अब जानते हैं रेटिन ए के बारे में कि रेटिन ए क्या है आखिर। तो डियर फ्रेंड्स, विटामिन ए के सिंथेटिक वर्जन को रेटिन ए कहते हैं। इसका यूज डॉक्टर्स रिंकल और स्किन डिस्कलरेशन को कम करने के लिए करते हैं। तो ये एक बेसिक सा डिफरेंस है तीनों में ही। आपके मन में ये ख्याल आ रहा होगा कि चलो मैंने मेजर डिफरेंस तो जान लिया रेटिनॉल, रेटिनॉइड्स और रेटिन ए का, लेकिन मन में ये कन्फ्यूज़न होगा कि आखिर मेरी स्किन के लिए कौन सा है। तो डियर फ्रेंड्स, आपका ये कन्फ्यूज़न भी मैं दूर कर देती हूँ। रेटिनॉल और रेटिनॉइड हर एक की स्किन पे सूट करता है, चाहे वो पर्सन उसको फर्स्ट टाइम ही क्यों ना यूज़ कर रहा हो, क्योंकि ये दोनों जो है वो लाइट और इजी टू यूज़ है। बट रेटिनॉइड का जो रिज़ल्ट है वो देर से नज़र आता है, क्योंकि इसको किसी कॉस्मेटिक में यूज़ करने से पहले कन्वर्ट किया जाता है। जैसे डर्मेटोलॉजिस्ट क्या करते हैं, वो रेटिन ए का यूज़ करते हैं क्योंकि उसके फास्ट रिजल्ट आते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जैसे जिनकी सेंसिटिव स्किन है उनकी स्किन पे
बहुत बार सूट नहीं करता, रेडनेस हो जाती है, जलन होने लग जाती है, तो ऐसे कई साइड इफेक्ट हो सकते हैं रेटिन ए का यूज करने से, क्योंकि वो केमिकल कंपाउंड से बना हुआ है। आती है कि रेटिनॉल या रेटिनॉइड है, इसका यूज कैसे करना है। तो माय डियर फ्रेंड्स, एक चीज आपने हमेशा ध्यान रखनी है कि जब भी आप रेटिनॉल रेटिनॉइड का यूज करें तो आपको वो आफ्टर सनसेट ही करना है या रात को ही करना है, क्योंकि ये सनलाइट में रिएक्ट कर सकता है। तो कम से कम 8-10 घंटे आप सनलाइट में नहीं जाएंगे जब भी आप रेटिनॉल या रेटिनॉइड का यूज करेंगे। दूसरा, ये क्या करता है कि ये हमारी स्किन पे स्टार्टिंग में ड्राइनेस लेके आता है। तो आपको बहुत बार ये लगेगा कि शायद मेरी स्किन पहले से ज़्यादा ड्राई हो रही है, मेरी स्किन पे सूट नहीं करता, लेकिन ये सूट करता है, ड्राइनेस लेके आता है स्किन पे। तो इसके बाद हमें मॉइस्चराइजर जरूर से लगाना है। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, वीडियो को शेयर जरूर करें अपने बहुत सारे फ्रेंड्स के साथ, और अगर आप चैनल में नए हो, फर्स्ट टाइम आए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन प्रेस कर दें, आगे आने वाले वीडियोस का, बहुत सारी जो वीडियोस हैं उनका आप तक नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो आज दीजिए इजाज़त, बहुत जल्द मिलेंगे एक और नई वीडियो में। तो